आखिर जब कोई व्यक्ति जिम जाता है और ढेर सारी एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल बिल्ड कैसे हो जाती है, इसके पीछे का साइंस क्या है, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। देखिए, होता यह है कि जब हम जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे मसल टिश्यू में टियर ला देता है, यानी हमारी मसल टिश्यू डैमेज हो जाती है और इसके ऑर्गेनल्स भी डिसरप्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि जिम जाने के बाद हमें मसल में सोरनेस का अनुभव होता है, यानी मसल में दर्द होने लगता है। देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया है कि जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से हमारे मसल में एक प्रकार का क्रैक आ जाता है, मसल टियर होने लगती है, मसल डैमेज हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा एनाटॉमी समझ लेनी चाहिए। देखिए, पिछले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि जब मसल का निर्माण होता है तो भ्रूण अवस्था में ही एक स्टेम सेल, मेसेनकाइमल सेल, वो मायोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है। बाद में यही मायोब्लास्ट आपस में जुड़कर एक सिलेंड्रिकल शेप में मायोट्यूब का निर्माण कर लेते हैं और यही मायोट्यूब आपस में इकट्ठा होकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेती हैं। पर कुछ मायोब्लास्ट दरअसल मायोट्यूब में नहीं बदलते हैं बल्कि मसल फाइबर के ही आउटर मेम्ब्रेन पर आकर चिपक जाते हैं और ये मसल फाइबर के स्टेम सेल की तरह काम करते हैं। इन्हें मसल फाइबर का सैटेलाइट सेल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मसल फाइबर के ऊपर एक स्पेशल किस्म की स्टेम सेल होती है जिसे सैटेलाइट सेल कहते हैं। ये सैटेलाइट सेल डिफरेंशिएट होकर नए मसल फाइबर का निर्माण करती है। देखिए, जैसे ही मसल एक्सरसाइज की वजह से टियर हो जाती है, ये डैमेज हुई मसल दरअसल साइटोकाइन नाम के केमिकल को रिलीज करने लगती है, जिसके वजह से इस साइट पर इम्यून सेल्स आना शुरू कर देते हैं। ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं? वैसे तो इनका काम बहुत सारा है, पर जनरली ये इस एरिया में इन्फ्लेमेशन पैदा करने लगते हैं। इससे होता यह है कि मसल फाइबर पर मौजूद ये जो सैटेलाइट सेल है वो प्रोलिफरेट करने लगती है, मतलब डिवाइड होकर अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाने लगती है। और इस सैटेलाइट सेल को प्रोलिफरेट होने के लिए प्रमोट करता है एक स्पेशल किस्म का सेल जिसे कहते हैं फाइब्रो एडिपोजेनिक प्रोजेनिटर, जो कि हमारे मसल में ही पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सैटेलाइट सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक तरीके से इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और इसे सपोर्ट करता है प्रोलिफरेट करने के लिए। देखिए, जब ये सैटेलाइट सेल प्रोलिफरेट होकर इस डैमेज्ड जगह पर आती है तो ये फ्यूज होकर आपस में मिलकर मसल फाइबर का निर्माण कर लेती है और ये जो डैमेज्ड मसल है उसे रिबिल्ड कर देती है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, मसल के निर्माण के लिए, मतलब मसल बिल्ड करने के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता तो होती ही है, काम भर की। अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, इन्हीं से मिलकर प्रोटीन बनता है। पर जितना ज्यादा जिम इंस्ट्रक्टर एडवर्टाइज करते हैं कुछ खास प्रकार के प्रोटीन का, उतना आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप हेल्दी ग्रीन लीफी फूड खाइए, अच्छी नींद लीजिए ताकि ये सेल्स अपना काम कर सके, बस मसल आपकी रिबिल्ट हो जाती है। अगर आप डेली जिम जाकर अपने मसल को टियर करते जाओगे और अच्छी नींद लोगे और न्यूट्रिशियस खाओगे तो धीरे धीरे आपके मसल का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। पर एक बात आपको याद रखना है कि एक खास प्रकार का प्रोटीन है मायोस्टैटिन, ये हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग होता है अमाउंट में, जिसमें ये मायोस्टैटिन बहुत ज्यादा होता है वो व्यक्ति एक लिमिट के बाद मसल ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि मसल ग्रोथ करने के लिए मायोस्टैटिन एक इनहिबिटर की तरह काम करता है। सबका शरीर अलग अलग है और ये मायोस्टैटिन पूरी तरीके से जेनेटिक्स पर ही निर्भर करता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।